हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम संदीप है। मैं मोगा की रहने वाली हूँ। एक्चुअली मैं काफ़ी टाइम से अपने बेबी के लिए ट्राई कर रहे थे, बट मुझे कंसीव नहीं हो रहा था। बट लास्ट ईयर मैंने बेबी कंसीव किया और मैंने स्कैन करवाया, तो मैं खुश भी थे कि हाँ, मुझे गॉड ने जो मैं चाहते थे वो मुझे एक गिफ्ट दे दिया है। तो बट जब मैंने स्कैन करवाया तो मुझे पता चला कि जो बेबी मैंने कंसीव किया है वो एक्चुअली जहाँ पे होना चाहिए वहाँ पे नहीं था। तो ये एक ट्यूब में ही था कि जो जहाँ पे ये प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट नहीं हो सकती थी इन्हें। तो जिस डॉक्टर के थ्रू मैंने करवाया था, तो उन्होंने मुझे बोला कि उन्हें कि हमें सर्जरी करनी पड़ेगी, और उन्होंने मुझे ओपन सर्जरी के लिए बोला और स्पाइन में इंजेक्शन देंगे। बट मैं बहुत डर गए थे, क्योंकि एक्चुअली मैं सर्जरी के नाम से भी डरते थे कि पता नहीं कैसे करवा लेते हैं लोग। तो मेरे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था। तो बट फिर मैंने कि अपने किसी फ्रेंड से बात की, तो उन्होंने मुझे डॉक्टर अमित सूद के बारे में बताया, जो कि काफ़ी अच्छे डॉक्टर हैं। और मैं और मेरे हस्बैंड उसी टाइम उनके पास आए, तो मैंने अपनी सारी जो कंडीशन थी सर को बताई। सर ने मुझे और मेरे हस्बैंड को अच्छे से समझाया और हमें बताया कि वो जैसे मेरी सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जरी करेंगे, जो कि बिल्कुल पेनलेस, और हम वो स्पाइन में इंजेक्शन भी नहीं देंगे। तो मैं खुश थे कि चलो मुझे एक अच्छा डॉक्टर मिला है जो मेरी सर्जरी कर रहे हैं, तो हम सर्जरी के लिए रेडी हो गए। तो सर ने उसी दिन ही मेरी सर्जरी कर दी थी। बट मैं खुश थे कि चलो मेरी सर्जरी अच्छे से हो गई और मुझे कोई पेन भी नहीं फील हुआ। तो जैसे मेरी सर्जरी के सर ने मुझे बताया था कि मैं आफ्टर थ्री और फोर मंथ्स में दोबारा बेबी कंसीव कर सकती हूँ। बट मेरे कुछ रिलेटिव्स और मेरे मुंह पे नहीं बोलते थे, लेकिन मैं ऐसे सुन लेते थे कि वो मुझे कि जिनकी ऐसी ट्यूबिक सर्जरी हो जाती है तो उनके बहुत रेयर चांस होते हैं बेबी कंसीव करने के। तो बट बाय गॉड गिफ्ट और बाय मे बी के सर का हाथ ही ऐसे था कि मैंने दोबारा आफ्टर थ्री और फोर मंथ्स मैंने दोबारा बेबी कंसीव किया, कि दैट वॉज इन ए प्रॉपर स्पेस के जहाँ पर होना चाहिए था। तो मैं बहुत खुश हुए कि चलो भगवान ने मेरी सुन ली है। वो तो अब मेरा बेबी 5 और 6 मंथ्स का है, तो मैं बहुत खुश हूँ। और मैं अपने सभी दोस्तों को यही सलाह दूँगी कि वो अगर उनकी कोई भी एस कंडीशन के थ्रू जाता है, तो मैं प्रे करती हूँ कि किसी को प्रॉब्लम आए ना, बट अगर इनके साथ ही भी है तो वो प्लीज़ डॉक्टर अमित सूद के पास आए और अपना ट्रीटमेंट करवाए। और उनका स्टाफ भी बहुत अच्छा है, उन्होंने मेरी केयर भी बहुत अच्छे से की है, और बिल्कुल फैमिली वाला माहौल है। So I recommend everyone to please come Dr. Amit Sood.